नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल रिपोर्टर आनंद। दोस्तों वक्त है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक ब्लॉग चैनल है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं लीलापुर थाना क्षेत्र से, जहां धोखाधड़ी करने वाले चार ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लीलापुर थाना क्षेत्र के कोलरा माधीपुर गांव निवासी भोलानाथ पाल लगभग एक माह पहले ठगी के इस गिरोह का शिकार हो गए थे। इस गिरोह ने जमीन समतलीकरण के नाम पर इनसे लगभग 3.5 लाख रुपए ठग लिए थे। मामले में लीलापुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा के डायरेक्शन में लीलापुर थाना प्रभारी विनीत उपाध्याय को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लीलापुर पुलिस ने जमीन समतलीकरण और बैरिकेडिंग के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर लीलापुर थाना क्षेत्र के बोझवा मोड़ के पास से चार ठगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए ठगों में रईस उर्फ मंसूर, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद यासीन और हुसैन हैं, जो कि अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के एंधी गांव के हैं। आरोपितों के पास से पुलिस ने नकदी भी बरामद की। पकड़े गए ठगों ने बताया कि इनका गिरोह जमीन समतलीकरण और बरगेटी के नाम पर सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए हड़प चुका है। पुलिस ने चारों आरोपितों को जेल भेज दिया। सुनिए क्या कहना है सीओ लालगंज राम सूरत सोनकर का। भोलानाथ पाल निवासी नगरी कोटरा माधोपुर के द्वारा थाना लीलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 6/22 18420 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हमारे घर पे आकर के उन्होंने बताया कि मैं आपकी जमीन की बैरिकेडिंग करा दूंगा और समतली करा दूंगा, इस संबंध में मुझे पैसा दीजिए। तो इन्होंने 50,000 रुपया एडवांस दिया था तथा 3 लाख रुपया ऐसे ऐसे बैंक में आकर के उन लोगों के साथ में पैसा निकाल के 3 लाख रुपया दिया था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारा सामान आ रहा है, गाड़ी खराब हो गई है, इनको चकमा दे करके सभी लोग चले गए। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विनीत उपाध्याय थाना दर्ज लीलापुर व चौकी जांच कमौरा देवी दयाल के द्वारा अपराध और अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि बोझूपुर मोड़ के पास में कुछ व्यक्ति खड़े हैं जो जमीन समतली करने की बात कर रहे हैं। इस सूचना का विश्वास करके थाना दर्ज लीलापुर में फोर्स के मौके पहुंचे, आवश्यक बल प्रयोग करके घेर करके चार व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम रईस, दूसरे का नाम सद्दाम, तीसरे का नाम हुसैन, चौथे का नाम यासीन है। सभी निवासीगढ़ गौरीगंज अमेठी के रहने वाले हैं। सभी अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि हाँ सर, हम लोगों ने 19/9/2022 को कोड़ा माधोपुर में भोलानाथ पाल जी के यहाँ फर्जी नाम पता बताकर पहुंचे थे कि मेरा नाम अरुण है और हम कंपनी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, उस पर काम करते हैं और आपकी जमीन की सैंपलिंग कर देंगे। पकड़े गए व्यक्तियों से 2350 रुपया नगद, एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल बरामद हुआ है। फरार अभियुक्त गुड्डू है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। शेष रकम की बरामदगी हेतु आवश्यक कार्रवाई होती हूँ थाना दर्ज लीलापुर को बताया गया है कि शेष रकम की बरामद करें, आवश्यक कार्रवाई करें। गिरफ्तार सदा अभियुक्तों को न्यायालय भेजा जा रहा है। अगली खबर हथगुआ इलाके से है, जहां एक मदरसे में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चों के साथ मारपीट के बाद उन्हें डांट कर घर भी भगा दिया जाता है। शिक्षकों की मारपीट से आजिद मासूम बच्चों ने कैमरे के सामने अपनी आपबीती सुनाई है। दरअसल पूरा मामला कुंडा विकास क्षेत्र के परेवन नारायणपुर गाँव स्थित सल्फिया सिराजुद उलूम मदरसे का है, जहां नौनिहालों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डंडे से मारा जाता है। कभी होमवर्क कंप्लीट न होने पर तो कभी ड्रेस में न आने पर बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों ने यहां तक बताया कि मदरसे में आए दिन वसूली भी की जाती है, कभी वजीफा के नाम पर तो कभी बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसकी धारा 17(1) के तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करना एक दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद मदरसा संचालक और वहां के शिक्षक बच्चों के साथ मनमानी पर उतारू हैं, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं। अब देखना है इस मदरसे पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभी छोटी है, इसको लिखना आता नहीं है तो होमवर्क देते हैं, नहीं कभी करके जाती तो इसको मारते हैं, और ये पहले से भी मारे स्कूल में, मालूम है कि इसके दिल का प्रॉब्लम है, फिर भी इसको मारते हैं। और डर जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती, जबरदस्ती करो तो रोती है, कहती है अम्मी नहीं जाऊँगी नहीं स्कूल में, टीचर लोग बहुत मारते हैं। वहाँ कौन से टीचर हैं जो इनको मारते हैं, नाम क्या है उनका? आमना है। आमना है, हाँ। तो अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बकस का पूर्वा बहरिकपुर गांव निवासी मनोज कुमार सरोज की 13 वर्षीय बेटी निधि सरोज बुखार से पीड़ित थी। आज सुबह वह अचेत होकर गिर पड़ी। घबराए परिजन उसे सीएससी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
अगली खबर मेडिकल कॉलेज से है, जहां आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारी 4 महीने से वेतन न मिलने से तंग हाली के शिकार हैं। दशहरे पर भी वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने अब दिवाली के पहले वेतन दिलाने के लिए डीएम से गुहार लगाई। मेडिकल कॉलेज में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड व काफी संख्या में नियमित कर्मचारियों का वेतन पिछले 4 महीनों से नहीं मिला। दशहरे पर कर्मचारियों को वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मिला नहीं। अब कर्मचारियों को पता चला कि 26 करोड़ रुपए वेतन बकाया है, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ के बजट की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज प्रशासन करा पाया है, इसलिए कर्मचारियों की वेतन मिलने की आस अधूरी दिख रही है। रोजमर्रा के खर्चे के लिए कभी भी कर्ज पर निर्भर हो चुके कर्मचारी इससे परेशान हो चुके हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर दिवाली खराब होने से बचाने की गुहार लगाई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।